हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हेमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है और अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका रीज़न कि आगे मैं आपको इंग्लिश, इको, ओसी, एसपी के भी वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। जो पर्टिकुलर जो मेरे प्रोफेसर है वो आपको वीडियो बना बना के हम इस पर मेरे चैनल पर हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 163 पे हमें वेरी फर्स्ट न्यू रेशो फाइंड करना रहेगा। न्यू रेशो फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल टू वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। और न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ वन, इससे हमें न्यू रेशो मिल जाएगा। अभी तुम बोलोगे सर न्यू रेशो क्यों इसमें फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा जो कैपिटल अकाउंट है उसको हमें कौन से न्यू रेशो में क्या करना है, एडजस्ट करना है। वहाँ पर लोन अकाउंट था तो यहाँ पर कैश अकाउंट है, बस इतना ही डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में। वहाँ पर आपको जो एडजस्ट करके वहाँ पर लोन अकाउंट नाम लिखना था, यहाँ पर आपको कैश अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। आप देखोगे क्वेश्चन तो वेरी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और कोई भी पार्टनर अगर गुडविल लाता है तो उसका एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और गुडविल अपना क्या होता है, असेट, असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। पर यहाँ पर गुडविल कहाँ पर है, क्रेडिट को, तो उसको उठा के मैं क्या लिख दूंगा, डेबिट में लिख दूंगा। तो ये डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्रेडिट पे किसका नाम आएगा, जो अपने ओल्ड पार्टनर है मिस्टर दीप और मिस्टर करण, उनको हम कौन से रेशो में देखे, ओल्ड रेशो में डिवाइड करके दे देंगे। 10,000 इसका रेशो 3/4, तो 7,500, 1/4 है तो इसका आएगा 2,500। तो लेट हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको एकदम सिंपल लगेगा और आने वाले सम भी आपको काफ़ी सिंपल लगेंगे। हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण इन अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ, क्या बोल रहे हैं, 3:1, मतलब क्या रहेगा, 3/4 और 1/4। पता चला 3+1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4/3, 4/1 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 यहाँ पर एज फॉलो दिया गया है, क्लियर है। तो हमें बैलेंस शीट दिया गया है 31 मार्च 2018। आगे क्या बोल रहे हैं, दे एडमिट, कौन एडमिट हो रहा है, शुभम इन अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। कभी हो रहा है, 1 अप्रैल 2018। अभी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर, हमें प्रिपेयर क्या करना है, अगर बुक में देखोगे तो प्रिपेयर क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। यहाँ पर कैश अकाउंट दिया गया है तो हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। अभी देखो पता कैसे चलता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना है कि नहीं करना है। यहाँ पर क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर शुड बी एडजस्ट इन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी फाइंड करना रहेगा थ्रू द अकाउंट ऑफ, क्लियर है, थ्रू द कैश अकाउंट। हमें कौन से अकाउंट में एडजस्ट करना है, कैश अकाउंट। वेरी क्वेश्चन नंबर 1 किया था वहाँ पर क्या था, लोन अकाउंट था, यहाँ पर क्या दिया है, हमें कैश अकाउंट से हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो एक काम करते हैं, वेरी फर्स्ट हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा है, मिस्टर करण, दीप करण और शुभम, डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, 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 अमाउंट। और नीचे बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर दीप अमाउंट, करण अमाउंट, शुभम अमाउंट, जैसे यहाँ पर मैंने दोनों साइड लिखा है। और मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट भी बना दिया, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल रहेगा जिस दिन एडमिट हो रहा है, लाइबिलिटी अमाउंट, अमाउंट। और मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट भी मैंने बना दिया है। तो एक काम करते हैं, वेरी फर्स्ट हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करते हैं। ओल्ड रेशो मिस्टर दिलीप एंड मिस्टर करण का कितना दिया है, 3:1, मतलब 3/4 हो जाएगा, और ये 1/4 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और शुभम का रेशो कितना दिया है, 1/5, यहाँ पर अगर बोला ये ही शेल ब्रिंग 20,000 कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, मतलब शुभम का शेयर कितना है, 1/5 शेयर है उसका, यहाँ पर दिया गया है। वेरी फर्स्ट हमें न्यू रेशो फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, बैलेंस ऑफ वन, तो 1 माइनस शेयर ऑफ क्या रहेगा, न्यू पार्टनर, तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कौन है, यहाँ पर शुभम, शुभम का कितना है, 1/5। अगर आप करोगे तो देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर किससे, 5 से बेस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो करोगे तो आंसर कितना आएगा, 4/5। ये हमें क्या मिला, बैलेंस ऑफ वन मिला। अभी न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ वन। तो मिस्टर दीप का अगर ओल्ड रेशो करे तो क्या था, 3/4 था, और बैलेंस ऑफ वन कितना आया था, 4/5। तो देखो 4 3 कितना होता है, 12 होता है, और 4 5 कितना होता है, 20। अगर इसको करेंगे
तो 4 3 12, 4 5 20, तो मतलब कितना है, 3/5 आ गया। मिस्टर करण की बात करें तो उसका रेशियो क्या था, 1/4 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 कितना आया था, 4/5, 4 1 4, 4 5 कितना था 20, सॉरी 4 1 4, 4 5 20, तो इसका रेशियो कितना है 1/5। और शुभम का कितना दिया था 1/5, तो रेशियो यहाँ पर 1/5। तो अगर अपना न्यू रेशियो की बात करें, तो हमें अगर न्यू रेशियो की बात करूँ मैं, तो न्यू रेशो कितना है 3:1:1, पता चला का ऐसे 3:1:1 अपना न्यू रेशो है। तो बस ए मैंने कर दिया, बारी आई सम की, तो पहले हम देखते हैं कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा। तो वेरी फर्स्ट है उसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा, देखो सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में तो एल लिख दूँ, बिल्स पेबल भी कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में तो एल लिख दूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में तो मैं क्या लिख दूँ, एल लिख दूँ। और कैपिटल अकाउंट दिया है आपको, अगर कैपिटल अकाउंट दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे वहाँ पर क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, वहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे। जनरल रिजर्व भी कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, कौन से पार्टनर में जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओल्ड पार्टनर में जाएगा। कौन से रेशो में जाएगा, 3:1, मतलब इसको आएगा 6 और एक को आएगा 2000 आएगा। कैश कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा, और वहाँ पर क्या लिखोगे, कैश अकाउंट में जाएगा यहाँ पर, और वहाँ पर क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्लियर है। सन्ड्री डेटर असेट्स में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में, स्टॉक असेट्स में, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा, फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 शेयर ऑफ कैपिटल, तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्लियर है, ब्रिंग कर रहा है मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा यहाँ पर, ही मतलब कौन, शुभम, तो यहाँ पर क्या रहेगा, शुभम कैपिटल अकाउंट, क्लियर है, 20,000 था मतलब कैश अकाउंट की डेबिट में क्या लिखा। और आगे क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट 10,000 शेयर ऑफ गुडविल, मतलब ये 10,000 किसका बोल रहे, गुडविल है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। प्रोविजन फॉर 5,000 एज अ बैड एंड क्रिएट डाउटफुल डेट, तो एक काम करूँ डेटर को मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ, स्टार किया मतलब तीन लाइनों में क्या करना है, छोड़ना है। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएशन बाय 20%, मतलब फर्नीचर में से क्या करना है 20% मेरे को क्या करना है, लेस करना है। स्टॉक अप्रिशिएशन हो रहा है, बिल्डिंग भी अप्रिशिएशन हो रहा है, तो स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग को मैं भी क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ, स्टार किया मतलब तीन लाइन क्या करना है हमें, छोड़ना है, बस इतना ही। और क्या बोल रहे हैं, कैपिटल अकाउंट टू ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड न्यू प्रॉफिट, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट से एक काम करते हैं, फटाक से मैं भी ट्रांसफ़र कर देता हूँ आपके सामने, मैं भी ये रखता हूँ, आप भी ट्रांसफ़र कर लीजिए, हम मिल के साथ में ये एडजस्टमेंट करते हैं। जैसा आप देख सकते हो कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या लिखा है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जनरल रिजर्व को मैंने क्या कर दिया है 3:1 के रेशो में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जनरल रिजर्व शुभम को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर लायबिलिटी साइड पे भी मैंने सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल इसके लिए जगह छोड़ा कि यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। सन्ड्री डेटर को स्टार है तो तीन लाइन, लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार है तो तीन लाइन, स्टॉक को स्टार है तो तीन लाइन, प्लांट एंड मशीनरी आउटर में जाएगा, और कैश के लिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख दिया है, क्लियर है। तो सारा चीज़ मैंने ट्रांसफ़र कर दी, एडजस्टमेंट आया, एडजस्टमेंट क्या बोल रहे, दे एडमिट शुभम इन अ पार्टनरशिप 1/5 शेयर, सॉरी 1 अप्रैल 2018, द टर्म्स ऑफ ग्रीन, ही शैल ब्रिंग, कितना पैसा ब्रिंग कर रहा है, 20,000 शेयर ऑफ कैपिटल, तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम कैपिटल अकाउंट 20,000। तो कैश कहाँ पर है, देखो कैश डेबिट में है, तो कैश की मैं कहाँ लिखूँगा, डेबिट साइड पर लिखूँगा, यहाँ पर नाम क्या लिखूँगा, टू शुभम कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर क्या लिखूँगा, टू शुभम कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 20,000। अभी शुभम कैपिटल कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो शुभम कैपिटल की कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड पे, वहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट कितना लिखेंगे, 20,000 लिखेंगे, क्लियर है, ये अपना हो गया। आगे गुडविल के बारे में बात करेंगे, गुडविल के बारे में क्या बोल रहे हैं, एंड 10,000 शेयर ऑफ गुडविल, मतलब किसका पैसा है, गुडविल का, तो उसका अगर क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, सेकेंड में किया था, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था, अगर गुडविल आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अपना क्या होता है, असेट, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो ये कहाँ दिया है हमें, क्रेडिट में, तो यहाँ से उठा के हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट में, तो क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, ये जो ओल्ड है अपने ओल्ड पार्टनर है,
मिस्टर दीप और मिस्टर करण उनका कौन से रेशो में देखे, उसका जो शेयरिंग रेशो था 3:1 मतलब 3/4, 1/4, तो इसका आएगा 7500 और इसका कितना आएगा 2500 रेशो में जाएगा। तो ये गुडविल डेबिट और ये गुडविल क्रेडिट क्या हो गया, कैंसिल। कुछ आप कॉलेज में या तो कुछ क्लासेस में आपको बताया जाएगा गुडविल अकाउंट भी बना, अगर बनाओ तो भी अच्छा, ना बनाओ तो और भी अच्छा, तो उसका मार्क्स अलग से आपको मिलेगा नहीं, इसके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। कैश कहाँ पर है डेबिट में, तो कैश की कि मैं कहाँ लिखूँगा डेबिट साइड में, क्रेडिट का नाम क्या है गुडविल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कैश अकाउंट की डेबिट में किसका नाम लिख दूँ मैं, गुडविल अकाउंट अमाउंट कितना लिख दूँ 10,000 मैं क्या करूँ लिख दूँ। अभी ये डेबिट और ये क्रेडिट क्या हो गया कैंसिल, ये क्रेडिट में किसका नाम है मिस्टर दीप कैपिटल और मिस्टर करण कैपिटल 7,500 और 2,500, इसकी मैं कहाँ लिखूँगा पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे नाम क्या रहेगा यहाँ पर मैं बाय गुडविल अकाउंट, इसका कितना था 7,500, इसका कितना था 2,500 था, क्लियर है। अगर आप चाहिए तो ब्रैकेट में नीचे क्या लिखोगे रिटर्न ऑफ, क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है कैंसिल हम कर रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट इज क्रिएट ऑन सन्ड्री डेटर, मतलब डेटर में से क्या करना है 5% मेरे को क्या करना है लेस करना है, तो डेटर में से मैं क्या करूँगा लेस करूँगा, तो यहाँ पर क्या लिखूँ लेस आर डी डी एट द रेट कितना बोल रहा है 5% पर एनम, तो यहाँ पर 32,000 का मेरे को कितना निकालना है 5%, तो 5/ कितना आ जाएगा 100, ये 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। अभी 3,200 मल्टीप्लाई कर अगर 5% तो अगर करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,600 आपको आंसर आ जाएगा, अगर ये आप माइनस करोगे तो आपको आउटर में मिलेगा 30,400 आपको आंसर मिलेगा। ये क्या हुआ लॉस हुआ, तो लॉस कहाँ आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, तो यहाँ पर मैं लिखूँ 2RDD कितना मेरे को आंसर मिला 1,600 मुझे आंसर मिला। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, स्टॉक अप्रिशिएशन कितना हो रहा है 5%, बिल्डिंग कितना हो रहा है 20%, क्लियर है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 20%, स्टॉक कितना हो रहा है 5%, तो यहाँ से क्या लिखूँ एड अप्रिशिएशन एट द रेट कितना बोल रहे 20% पर एनम, लैंड एंड बिल्डिंग का 20% है, स्टॉक का 5% है, क्लियर है। तो ये 16,000 उसका कितना निकालना है मेरे को 20/100 0 क्या हो गया कैंसिल, तो आपको आंसर आएगा 3,200 आंसर आएगा, अगर ऐड करोगे तो आउटर में आ जाएगा 19,200 आपको आंसर आ जाएगा। अभी स्टॉक का कितना बोल रहे 5%, तो यहाँ पर लिखो एड अप्रिशिएशन एट द रेट 5% पर एनम, तो ये देखो 20,000 का कितना निकालना है मेरे को 5%, तो आंसर आ जाएगा 1,000 आ जाएगा, क्योंकि 10% 2,000 रहता है, तो 5% कितना हो जाएगा 1,000, अप्रिशिएशन ऐड होगा तो आउटर में आ जाएगा 21,000। अभी देखो बेटा ये ऐड हो रहा है तो अप्रिशिएशन मतलब वैल्यू बढ़ रहा है, तो हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो या प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ लिखूँगा क्रेडिट साइड में, यहाँ पर बाय क्या लिखूँ पहले लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट दिया है 3,200 और यहाँ पर क्या लिखूँ बाय स्टॉक 1,000, क्लियर है। ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएशन बाय 20%, मतलब फर्नीचर में से क्या करना है 20% मेरे को क्या करना है लेस करना है। तो देखो फर्नीचर का अमाउंट गलती से मैंने ई आउटर में लिख दिया, तो इसको दो लाइन करके इनर में लिख दो और इसका डेप्रिशिएशन कितना करना है 20%, तो यहाँ से लेस क्या लिखूँ लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 20% पर एनम, तो यहाँ पर 11,000 का कितना निकालना है मेरे को 20% निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 20/100 करेंगे 0 क्या होगा, तो 2,200 आपको आंसर आएगा, अगर लेस करके आउटर में आपको आंसर आएगा 8,800 आपको आंसर आएगा, ये 11,000 को आप कैंसिल कर सकते हो। अभी ये जो 2,200 कहाँ जाएगा डेप्रिशिएशन का इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आएगा, तो 2 यहाँ पर क्या लिखूँ फर्नीचर में लिख दूँ कितना लिख दो अमाउंट 2,200 में अमाउंट क्या करूँ लिख दिया, क्लियर है। आगे क्या बोल रहे अभी देखो ये जो अमाउंट है वो तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हम टैली करेंगे पार्टनर्स कैपिटल का तभी हमें काम आएगा, तो एक काम करते वेरी फर्स्ट हम टैली कर देते, अगर इस साइड का टोटल करोगे तो आपको 4,200 आएगा, यहाँ पर भी आपको 4,000, इसका टोटल 3,800,
अगर 4200 माइनस 3800 करेंगे तो अपना आंसर आएगा 400 आएगा। तो यहाँ पर मैं 400 लिख दूँ, ये 400 मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पर प्रॉफिट, और ये दो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, दीप और करण कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, दीप कैपिटल अकाउंट कौन से रेशो में जाएगा, 3:1। तो देखो 3:1, तो इसको 300 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, 100। एकदम सिंपली आप दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दीप और करण कैपिटल में चला जाएगा। एक कहाँ आ गया डेबिट में, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो इसकी मैं क्या लिखूँ, क्रेडिट साइड पे यहाँ पर मैं लिख दूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ बाय, क्या लिखूँ यहाँ पर, देखो दीप था तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिखूँ, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको कितना मिला था 300, इसको कितना मिला था 200 मिल गया था। अभी आप आगे देखोगे तो अभी ये जो इसको टैली करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला, तो एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर शुड बी एडजस्टेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थ्रू द कैश अकाउंट। तो चलो ये एडजस्टमेंट हम करते हैं। ऑलरेडी ऐसा सम जो था हम क्वेश्चन नंबर 1 में हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर पहले क्या लिखते हैं, हम कैपिटल लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम रेशो, क्लियर है। तो वेरी फर्स्ट शुभम से करना है, शुभम का देखो, शुभम न्यू पार्टनर है, तो शुभम का अगर रेशो कितना दिया है 1, क्लियर है, 3:1/5, तो मतलब कैपिटल इसका अगर देखेंगे तो शुभम का कैपिटल वो कितना पैसा लेके आ रहा था, 20,000। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, शुभम में लिखूँ 20,000, उसका रेशो कितना था 1। तो अपना न्यू पार्टनर, अभी जो ओल्ड पार्टनर कौन है, मिस्टर दीप, अभी दीप का कैपिटल तो मेरे को पता नहीं है, उसका रेशो कितना दिया था, देखो दीप का रेशो है 3। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1, तो अपना आंसर कितना आएगा, अगर मिस्टर दीप का अगर कैपिटल की बात करें, दीप हमें कैपिटल का आंसर मिल जाएगा अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा, क्लियर है। सेम ये मिस्टर दीप का हुआ, और मिस्टर अभी देखो शुभम का, तो मिस्टर करण, अभी देखो करण का कैपिटल पता नहीं है और उसका रेशो 1, तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 20,000 आपको आंसर आएगा। अरे कॉमन सेंस है, मिस्टर शुभम का रेशो 1 है, करण का रेशो भी 1 है, तो दोनों का कैपिटल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। ऑफकोर्स इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पर 20:1 सेम इसको अगर करेंगे तो 21:1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर 20,000 ही आएगा। तो इसका 20, इसका 20, इसका 20, ये अपना क्या है, कैपिटल है। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी अच्छे से इसको मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो बैलेंस जो ब्रॉड डाउन रहेगा, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मिस्टर दीप का कितना आया था, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो मिस्टर दीप का 60, करण का 20 और शुभम का कितना आया था 20, तो यहाँ पर 60:20 और ये 20 क्या मिला मेरे को, कैपिटल मिल गया। अभी यहाँ पर देखो मेन यहाँ से टैली करना है, अगर आप देखोगे तो अगर किसका ज़्यादा है, ऑफ कोर्स इसका सारे का क्या है, क्रेडिट साइड अपना क्या है ज़्यादा, तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर इसका करेंगे तो 73,800 आएगा, इसका करेंगे तो 24,600 आएगा, इसका करेंगे तो 20, और ये 20 क्या हो रहा था, टैली हो जाएगा इसका। तो चलो इसका तो कोई मगजमारी नहीं, अगर 24 में से ही, तो यहाँ पर भी क्या लिखूँ, 24,600 माइनस क्या करेगा 20, तो 4,600 सिंपली यहाँ पर कितना आएगा, 73,800 माइनस कितना करना है 60, तो हमें आंसर मिलेगा 13,800 आंसर मिलेगा। और इसको नाम क्या देना, अगर बुक में आप तुम देखोगे तो क्या बोला था, कैपिटल अकाउंट ऑफ शुड बी एडजस्ट थ्रू द कैश अकाउंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, टू कैश अकाउंट लिख दूँ, क्लियर है। तो हम कैश अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ये डेबिट में तो पता है ना ट्रांसफ़र क्या होगा, क्रॉस में, देखो ये डेबिट में आया था तो हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट में, तो सेम एज ये डेबिट में आया तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय क्या लिखूँ, बाय दीप कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिखूँ, बाय दूसरा पार्टनर का नाम दिया था करण, तो यहाँ पर क्या लिखूँ, बाय करण कैपिटल अकाउंट, इसका अमाउंट कितना था 13,800, तो यहाँ पर लिख दूँ 13,800 लिख दूँ,
और यहाँ पर लिख दो 4600, तो यहाँ पर आ जाएगा 4600 आंसर आ जाएगा। तो चलो अभी कैश अकाउंट को टैली करते। कैश अकाउंट का इसका टोटल आ जाएगा 40, 60, 70 टोटल हो जाएगा, क्लियर है। 40, 50, 60 और ये कितना हो जाएगा 70 इसका टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखो 70 लिख दूँ, यहाँ पर भी मैं कितना लिखो 70,000 लिख दूँ, क्लियर है। अगर इसको माइनस करेंगे इन दोनों को ऐड करके तो आपको आंसर मिल जाएगा 51,600। करना है इन दोनों को ऐड करना है, ये 13,800 प्लस 4,600 ऐड करके क्या करें 70 में से माइनस कर दूँ, तो यहाँ पर 51,600 इसको क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख दूँ, क्लियर है। ये कहाँ कैश अकाउंट में आ जाएगा, तो कैश अकाउंट में यहाँ पर लिख दूँ मैं नीचे कैश अकाउंट अमाउंट कितना आया था 51,600 आंसर लिख दो, क्लियर है। अभी जो ये कैपिटल था मिस्टर दीप का 60, 20 और 80, ये कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर लिख दूँ मैं, तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर लिखूँ मैं कैपिटल अकाउंट। वेरी फर्स्ट क्या था, यहाँ पर आपको मिस्टर लगाना पड़ेगा, मिस्टर दीप कितना आया था इसका 60, मिस्टर क्या आया था यहाँ पर करण 20 और मिस्टर क्या आया था ये शुभम कितना आया था 20 और इन दोनों को ऐड करें तो टोटल कितना हो जाएगा 1 लाख टोटल हो जाएगा, क्लियर है। अगर सारे का अगर आप टोटल करोगे ये कितना है 1 लाख और ये सारे का अगर आप टैली करते हो तो इसका आपको आंसर आएगा 1,61,000 और इस साइड का भी टोटल कितना आएगा 1,61,000 आ जाएगा। अगर बुक में अगर हम चेक करें तो देखो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आया था 40, तो ये भी अपना 400, तो ये भी अपना 400 राइट है। अभी ट्रांसफ़र टू दीप कैश में ट्रांसफ़र कितना करें 13,800, ये भी राइट है। करण का कितना था 4,600, सॉरी आपको दिखा नहीं रहेगा, ये कितना आया था 13,800, 4,600 आप देखोगे बुक में तो 13,800, 4,600 दोनों क्या राइट है। और फाइनली अगर बैलेंस शीट का टैली कितना आया था 1,61,000, तो यहाँ पर भी अपना राइट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।